नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मैट्रिक्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी विद मैट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने मैथ्स पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 15 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया। हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैथ पेडागोजी, हाँ, गणित शिक्षण शास्त्र से 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बताइए आपके 15 में से कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानिए इसको, प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए अन्य नाम क्या है। फ्रेंड्स, प्रारूपवाद का अन्य नाम क्या है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दिया था चार, कि अमूर्ति चित्रीकरण, डिडक्टिविज्म, तर्क मूल गणितवाद या इंडक्शन। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर डिडक्टिविज्म। करेक्ट आंसर डिडक्टिविज्म, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने सेकंड आ चुका है, आप सेकंड क्वेश्चन का बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं चार, आप बताएंगे कौन सा कथन सत्य है। हाँ फ्रेंड्स, कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन आपको चार दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। मैं वेट करूँ फ्रेंड्स आपका। क्या प्रत्येक संख्या का एक घटक होता है, दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है, आप बताएंगे आपका आंसर। फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ फ्रेंड्स, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और दो एक सम अभाज्य संख्या भी है। फ्रेंड्स, दो एक सम अभाज्य संख्या भी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मानिए फ्रेंड्स, आपको आप थर्ड मानिए, थर्ड आपके सामने दिया है। क्या कैसा क्वेश्चन है, महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, आर्यभट्ट जी के द्वारा, श्रीधर के द्वारा, भास्कराचार्य, रामानुजन। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बताएंगे जब तक मैं वेट करूँगा आपका। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो श्रीधर करेक्ट आंसर, श्रीधर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, पौधे बढ़ते पौधे से संबंधित क्या है। फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मानिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने दिया है, बढ़ते पौधे से संबंधित क्या है, प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, फिबोन की संख्या है, परिमेय संख्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। बढ़ते पौधे संबंध करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो फिबोन की संख्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताएंगे इसका आपको क्रम सेट करना है। गणितीय प्रतिरूपण मॉडलिंग के चरणों का अनुक्रम क्या होगा, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न समस्या को समझाना, गणितीय विवरण का सूत्रीकरण करना, समस्या का समाधान करना, समस्या को व्याख्या करना और मान्य करना, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, करेक्ट आंसर क्या, 3 2 1 4 होगा, 1 4 3 2 होगा, 2 1 3 4, 1 2 3 4। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने दिया गया है, कि पाठ योजना का मुख्य भाग हार्वर्ड के सिद्धांत पर आधारित है, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या प्रस्तुति है, निष्कर्ष है, परिचय है, संधि और सामान्यीकरण। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, पाठ योजना का मुख्य भाग हार्वर्ड के सिद्धांत पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर संधि और सामान्यीकरण करेक्ट आंसर।
संधि और सामान्यीकरण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। 7 क्वेश्चन का आप बताएंगे आंसर। बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व से पश्चिम स्थिर करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामिति तथ्यों को लागू करने का कार्य किसको सौंपा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे क्या सुलवाकार ही है, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण पूर्व से पश्चिम में स्थिर करते हुए किसको सौंपा गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर सुलवाकार, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड आपके सामने दिया गया है। एक विधि रणनीति के चरणों सेटों को करने नहीं करने का वर्णन क्या करता है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तकनीक, युक्ति, विधि, उपागम। मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड्स जब तक आप आपका आंसर बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर। एक विधि रणनीति चरणों का सेट करने के लिए वर्णन करता है, तो करेक्ट आंसर तकनीक, करेक्ट आंसर। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, युक्ति, विधि, उपागम इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया है फ्रेंड्स कि निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार संबंध नहीं रखता, वह क्रियात्मक क्रिया कौन सी है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं वेट करूँ फ्रेंड्स जब तक आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर पुनः निर्माण है, रूपांकन है, तुलना है, परिवर्तन। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर तुलना, करेक्ट आंसर। निम्न से रचनात्मक व्यवहार संबंध नहीं रखता, क्रियात्मक क्रिया, तुलना, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स, 3 आयामी संस्थित टोपोलॉजी गणित की वह शाखा है। हाँ फ्रेंड्स, 3 आयामी संस्थित टोपोलॉजी गणित की वह शाखा जो किससे संबंधित है, आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। आई होप फ्रेंड्स मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आपने आपका आंसर लगा लिया होगा फ्रेंड्स, क्या जैव प्रौद्योगिकी है, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर 3 आयामी संस्थिति टोपोलॉजी गणित की शाखा, करेक्ट आंसर भौतिक विज्ञान, करेक्ट आंसर। बाकी सारे इनकरेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप बताएं करेक्ट आंसर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, बच्चे के विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण, प्रश्नों में सुलझाना, संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स बच्चों के विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना, करेक्ट आंसर। न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, न प्रश्नों का सुलझाना, न संगणनात्मक कौशल का सुधार करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, माइक्रो शिक्षण। हाँ फ्रेंड्स, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, किसके द्वारा कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएंगे। माइक्रो शिक्षण किसके द्वारा कहा गया है, आप बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। क्या प्याजे जी हैं, WDLN है, गेने हैं, ब्रूनर हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का WDLN, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में से गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण किसको माना जाता है, आप बताएंगे आपके हिसाब से। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक है, सामयिक है, एकांतमक है, सर्पेल है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। दृष्टिकोण किसके हिसाब से माना जाता है, तो करेक्ट आंसर सर्पिल, करेक्ट आंसर। ना मनोवैज्ञानिक, ना सामयिक, ना एकांतमक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है, संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित क्या है, महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना। फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।
आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या है, तो लागू करना करेक्ट आंसर, ना महत्व देना, ना ग्रहण करना, ना प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने फ्रेंड्स, गणित पढ़ाने में निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य व्यक्ति के आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है? क्या अनुशासनात्मक होगा, उपयोगी होगा, सांस्कृतिक होगा, सामाजिक होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, स्वतंत्र बनने में कौन सा मदद करता है, तो करेक्ट आंसर सामाजिक। करेक्ट आंसर ना अनुशासन, ना उपयोगी, ना सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स गणित पढ़ाने उद्देश्यों के आत्मनिर्भर बनाने में स्वतंत्र करता है, अनुशासनात्मक करेक्ट आंसर था, मैंने सामाजिक बताया था वो इनकरेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। मत विश्लेषण, हाँ फ्रेंड्स मत विश्लेषण तैयार करने में एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या प्रश्नवांक है, मूल्यांकन है, परीक्षा है, छात्र प्रदर्शन? तो आई होप फ्रेंड्स मत विश्लेषण की मूल मूल्यांकन रणनीति कौन सी है? जब तक आपका आंसर बताएंगे, जब तक करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर प्रश्न बैंक। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, 486 के अभाज्य गुणांकों के घात गुणांकफल के रूप में व्यक्त करना है, आप बताएंगे इसका? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर 2^1 और 3^5। करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आप बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक बने रहिए चैनल के साथ, ओके, टेक केयर, बाय बाय।